दोस्तों ये वही जेफरी है जिसने कोविड के टाइम पे कहा था, जब 1200 रुपए के आसपास में रिलायंस चल रहा था, कि रिलायंस गिर के 800 रुपए आ जाएगा। तो जेफरी को मैं ज्यादा बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, बट हाँ, बट क्योंकि ग्लोबल एजेंसी है भैया, बहुत लोग इसको मानते हैं। और मेरा मानना ये है कि बहुत सारी एजेंसीज बहुत सारे काम पैसे लेके भी करती हैं, बट अगर बात किसी छोटे मझोले शेयर की होती तो हम एक बार के लिए इसको इग्नोर कर सकते थे। फेल कोई भी हो सकता है, फेल जेफरीज भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो पर्पज है वो ये है कि क्या हम वाकई रिलायंस में कोई अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, क्या रिलायंस हमारी वॉच लिस्ट में हो सकता है, क्या अगर जेफरीज की बात सही होती है तो क्या रिलायंस की इस तेजी की वजह से निफ्टी भी तेज होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करो। भाई कमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत तकलीफ की बात है। ऐसा लगता है कि फेक व्यूज हैं, है ना, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं 20,000 25,000, कमेंट आ रही है 15 20 40 50। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, एक कमेंट डाल दीजिए कि आपको मेरे एफर्ट कैसे लगते हैं, वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, लग रहा है, आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, आप रिलायंस के बारे में क्या समझते हैं, आपका रिलायंस का टारगेट क्या है, वो लिख दीजिए। कम से कम इंटरेक्शन तो स्टार्ट हो, है ना, ताकि समझ में आए कि हाँ यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है वो एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन है। अब चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ने से पहले जो हम करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ कि हम पहले इसको इस न्यूज को देखने वाले हैं जो आपके चैनल पे अभी दिखाई दे रही है, जो आपके बैकग्राउंड पे आपको दिखाई दे रही है कि जेफरी सीज 13% अपसाइड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सपेक्ट रिलायंस जियो टू लिस्ट बाई 2025 विद 112 बिलियन वैल्यूएशन। ये बड़ी बात है और ये होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में से जियो को अलग लिस्टिंग मिल सकती है। जियो फाइनेंस लिस्ट हो चुका है, जियो की लिस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जियो अपने आप में एक बहुत बड़ी एंटिटी बन चुकी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज में प्रॉफिटेबल बनाने वाला, रिटेल से जोड़ने वाला रिलायंस जियो बहुत ही बड़ा सूत्रधार साबित हुआ है। तो इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और समझते हैं कि क्या वाकई ये 13% है। हमें तो यहाँ पे अगर ये 3500 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो 3580 रुपए 3580 रुपीज का प्राइस टारगेट दिया जा रहा है। आज जो रिलायंस जहां खड़ा हुआ है, रिलायंस खड़ा है एग्जैक्ट 3000 रुपीज के ऊपर में। तो यहां से जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है, जो अपसाइड टारगेट निकल के आ रहा है 2025 तक में, वो निकल के आ रहा है कम से कम 17% के ऊपर जाने का। अब 17% अगर रिलायंस बढ़ने वाला है तो निफ्टी कितना बढ़ सकती है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिलायंस की निफ्टी में वेटेज क्या है। उसको देखने के लिए आपके सामने निफ्टी का, एनएससी का, बेसिकली निफ्टी 50 का लिंक आपके सामने मौजूद है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि किस शेयर की कितनी वेटेज होती है। यहां पे अगर देखेंगे तो निफ्टी के अंदर में जो सबसे टॉप वेटेज है, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज, आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज है 34% के साथ में। उसके बाद में ऑयल गैस एंड कंज्यूमर्स में आता है 12.56, उसके बाद आईटी का नंबर आता है 12.5%। और इसमें अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी वेटेज निफ्टी की 50 के अंदर में 12% के आसपास की आती है एचडीएफसी बैंक की, और नंबर टू पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय 9.98%, 10% वेटेज। अगर 100 पॉइंट निफ्टी में तेजी आती है, चाल आती है, तो उसमें 10% अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको हिट कर सकता है, उसको इंपैक्ट कर सकता है। उसमें 100 रुपए में 10% की मूवमेंट अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत भारी वेटेज है। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक के साथ में, फिर आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, एलएनटी, टाटा कंसल्टेंसी, ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में निफ्टी 50 जो टॉप 10 है, अगर टॉप 10 की कैलकुलेशन करोगे 12 10, तो ये मोटा मोटा 60% के आसपास सिर्फ टॉप 10 शेयर्स हैं। हम निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहे होते हैं, अगर सिर्फ टॉप 10 को आप ट्रैक कर लो तो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए या निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना आपके लिए आसान हो सकता है। बट आपको तो आदत है जीरो जीरो करने की, पैसा बर्बाद करने की, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फर्ज बनता है यहाँ पे सिखाने का, और सिखाने के लिए लाइव मेरी अपनी खुद की ऐप के ऊपर में, जो मेरी ऐप है वो है रियल स्कैल्पर विपुल, रियल स्कैल्पर विपुल। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 4 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 16 सेशन बचे हुए हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं उसको। जी हाँ, डेली 2 सेशन में क्लास होती है। मॉर्निंग सेशन 9:30 9:45 के आसपास स्टार्ट होता है, सेकंड सेशन दोपहर में 2:45 के आसपास लाइव मार्केट में। साइकोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए, माइंडसेट पे काम करने के लिए इससे बेटर क्लास नहीं हो सकती। 20 क्लासेस फ्री कौन करता है यार, कुछ नहीं बेच रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद जो पेड कोर्सेज है या पेड क्लासेस है वो सब बता दूंगा, कोई इशू नहीं, लेना ही लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, बट कम से कम 20 क्लासेस फ्री की है ये तो लीजिए। 2000 से ज्यादा, शायद 2500 हो गए, शायद 2600 2700 के आसपास का नंबर था, अभी 2700 के आसपास लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है, और उसके बावजूद क्लासेस में बैठने वाले लोग कितने, 300 350 400 500 हमने टच किए। मतलब फ्री में आप भी सीखना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, पर मैंने जो कमिटमेंट कर दी, लेट हुई थी क्लासेस स्टार्ट, बट वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हो रहा हूँ। बाकी क्लासेस भी आपको फ्री मिलने वाली है।
उसके बाद में सब कुछ पेड होने वाला है, कुछ भी फ्री होने वाला है। मैंने एक मौका आपको दे दिया है, फिर मत कहना सर आप पैसे के लिए काम करते हो। फ्री के लिए काम कर रहा हूं, दुनिया में, देश में, पूरे वर्ल्ड में कोई एक महीने क्लासेस फ्री नहीं देता, 20 लाइव मार्केट की क्लासेस हैं। तो गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेंगी, चैनल के ऊपर में, रियल स्कैल्पर विपुल मेरा अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, यहाँ पे एग्जैक्ट कंटेंट आपको मिलेगा जो समय के साथ चल रहा होगा। जैसे आज की 70,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है इन दो कंपनीज को, जाके देखिए ये वारशिप का ऑर्डर मिलने वाला है, बड़े जबरदस्त कंपनीज है, पूरा डिटेल एनालिसिस इसके अंदर में क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्यों एक मल्टी बैगर बन सकता है, क्या डिटेल केस स्टडी है, जाके देखो आपके वो स्टॉक्स यहाँ चर्चा में लेके आते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है, फायर्स का टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, फायर्स का टर्मिनल ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है, बिल्कुल फ्री है, तो आज ही अपना अकाउंट खोलिए, फायर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बेहतरीन चार्ट, शानदार चार्ट, एक नजर से आप बताइए। मैं आपको दावा दे सकता हूं जितने भी लोगों ने फ्री क्लासेस अटेंड किए, मैं चाहूंगा कम से कम वो इस वीडियो के नीचे जाके अपना कमेंट जरूर लिखे कि क्या आपको रिलायंस में क्या दिखाई दे रहा है। 5 सेकंड आपको देता हूं, प्लीज सोचिए समझिए क्या रिलायंस सपोर्ट पे है, क्या रिलायंस में फॉल ऑफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। जितने लोग देखने की कोशिश करेंगे सबको अपनी अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। फिलहाल डेली चार्ट है, इसको वीकली मंथली के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई 2025 मतलब अगले साल तक क्या हम 17% रिलायंस बढ़ता हुआ देखेंगे? रिलायंस अगर 17% बढ़ रहा है तो डेफिनेटली निफ्टी ने तो भागना ही भागना है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बाजार के उस बुल रन में बैठा हूं जो लोग सोच भी नहीं सकते। बाजार बुलिश है, करेक्शंस आते नहीं, करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो क्रैशेस से भी नहीं डरता, क्रैशेस तो अपॉर्चुनिटी होती है माल उठाने के लिए। आपकी किस्मत में इतनी जल्दी क्रैश नहीं आने वाला, विश्वास कीजिए। क्रैशेस की साइकिल भी 8-10-12 साल की होती है, 2020 में क्रैश आके गया, अभी तो 2024 में 4 साल, कम से कम 4-6 साल का बुल रन अभी बचा हुआ है, सरकार के पूरे 5 साल बचे हैं, नई सरकार बनी है, तो 5 साल के अंदर में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने। कल बजट है, बजट में हम लाइव बैठेंगे, सुबह लाइव बैठेंगे, कल सेशन कल क्लासेस नहीं होंगी, बट कल हम पूरे दिन लाइव बैठने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि बजट में क्या कहा जा रहा है, बाजार किस तरफ चल रहा है। तो प्लीज आप सबका स्वागत है, कल लाइव सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, 9:30 पे स्टार्ट होगा, हम बिल्कुल लाइव बैठने वाले हैं, ठीक है। रिलायंस को देखते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, बाजार ने उसको क्रॉस करने की कोशिश की, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, क्रॉस किया, बढ़िया वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुआ, एक कंसोलिडेशन फॉर्म हुई, प्राइस करेक्शन हुआ, लगातार फॉल दिखाई देखने को मिल रहा है और लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर में। बट असली खेल क्या है, इसकी एक रेंज है, आप ये देखेंगे तो 2800 से लेके 3000 के आसपास की रिलायंस की एक रेंज बनी हुई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसको जाके मंथली चार्ट पे देखते हैं तो कहानी थोड़ी सी अलग बयां होती है कि कहानी चल क्या रही है। यहाँ पे जैसे मंथली चार्ट के ऊपर आते हैं कंसोलिडेशन बन जाती है, अब ट्रेंड में चेंज हो जाती है, क्यों आप देख सकते हैं यहां से स्टॉक जब चलने लगा था, ये देखिए कोविड का लो था ये जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने बाइंग की थी 1200 के आसपास में निकला था इसी जेफरीज की वजह से, ठीक है ना। तो जेफरीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट फिर भी कोई बात नहीं। तो यहां से प्राइस ने एक हायर लो का पैटर्न बनाया, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट 2800 पे टेस्ट करने के बाद में फिर ऊपर गया, इस महीने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अल्टीमेट सपोर्ट जो है 2800 रुपए के आसपास में बन गया, 2800-2850 के आसपास। ये सपोर्ट ढूंढने के लिए हमें काम करते हैं अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास चलते हैं और देखते हैं कि टीटीसी क्या कहता है कि मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस कहां पे इसके मौजूद है। टीटीसी को लॉगिन कर लेते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है यहां पे मौजूद है, यहां पे हमें सिर्फ डालना है रिलायंस, बस ये हमें पूरी स्थिति बयां कर देगा कि भैया कहानी का, रिलायंस के फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। यहां पे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है कि 3000 का जो प्राइस है 3025 ये हमारे एक लेवल पे दिखाई दे रहा है, यहां पे बाजार सपोर्ट ले रहा है 2970, इसको हम 3000 के आसपास पकड़ सकते हैं, तो ये 3000 के आसपास का एक सपोर्ट पॉइंट है। अगर 3000 के नीचे हमें जाना है तो इसके नीचे यहां हमें वैल्यू डालनी होगी, यहां वैल्यू डालते हैं 3000 जो हमें मेजर सपोर्ट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, 3000 जैसे ही हम डालते हैं तो आप देख सकते हैं घूम फिर की जो रेंज है वो वहीं 2800-2850 के आसपास की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रेंज सस्टेन रहनी चाहिए, अगर ये रेंज सस्टेन करती है 3025 के ऊपर रिलायंस ब्रेकआउट करता है तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 3100-3200 ऑल्सो, ये अगले साल की वेट नहीं होगी। रिलायंस ऐसा स्टॉक नहीं है जो 15-20% एक महीने में भागता है, बहुत स्लोली चलता है, एचडीएफसी बैंक भी बहुत स्लोली चलता है, ये कभी भी एकदम ब्रेकआउट स्टॉक्स में नहीं आते, कंसोलिडेशन करते हैं, टाइम लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनालिसिस देख लिया, वीडियो देख ली, कल से झपट्टा मारना शुरू कर देना है, कल से कॉले खरीदनी है, पुटे बेचनी है, ये सब नहीं करना। जब तक सीखते नहीं है, जब तक आप ऐसे ट्रेड करेंगे, इरेटिक ट्रेडिंग में लॉसेज होंगे ही होंगे, चाहे वो इरेटिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इरेटिक ट्रेडिंग होनी हो। तो यहाँ पे
सपोर्ट बिल्कुल क्लियर है टीटीसी के हिसाब से। अब एक एनालिसिस कर लेते हैं हम चार्ट के ऊपर चल के, हम फिबोनाची यूज करते हैं। फिबोनाची क्या कहता है, हम एक काम करते हैं, हम सीधी सी बात है यहाँ पे एक लेटेस्ट हमारे पास में एक स्विंग था, हम इस स्विंग की बात करते हैं, ये स्विंग लेते हैं और ये हमारे पास में एक लेटेस्ट बॉटम था बस। हमने ये क्यों मार्किंग करनी चाहिए, कैसे मार्किंग किया थी, ये सब क्लास का हिस्सा, सब क्लास में सिखा रहा हूं, आओ। लेकिन आपको नहीं आना तो आपकी मर्जी है, वीडियोस देख के भी आप सीख सकते हो। रिलायंस के अल्टीमेट टारगेट्स हैं क्या, अभी तो रिलायंस ने यहाँ पे चलना स्टार्ट भी नहीं किया, 2850 एक्चुअल में जो जो लेवल है 2850 का, कैलकुलेटर पे 2867 के आसपास का लेवल था। ये क्रॉस होने के बाद में रिलायंस का जो नेक्स्ट लेवल पड़ता है वो पड़ता है रेजिस्टेंस 3275 के आसपास में। इसको क्रॉस करने के बाद 4000 के लिए रिलायंस निकलेगा, जो अगर निकलेगा तो। और उसके बाद जो अल्टीमेट टारगेट्स रिलायंस के निकल के आ रहे हैं जियो की लिस्टिंग के बाद में, काफी चीजें और बढ़िया होने वाली हैं। रिलायंस अल्टीमेटली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ 5289। ये मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म का, करेक्ट, लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल 5 साल 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी हो सकते हैं, पता नहीं, बाजार 2 साल में भी कभी कभी टारगेट पूरे कर देता है। बट यहाँ पे ये जो लंबी कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है, ये ब्रेकआउट सस्टेन होता दिखाई दे रहा है, तो पहला हर्डल आप देख सकते हैं, यही पहला हर्डल है एंड दिस विल बी इमीडिएट सेकंड प्राइस 3945। तो यहाँ पे जेफरीज थोड़ा सा मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी वॉचेस में रिलायंस को डाल दीजिए, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ये एनालिसिस समझ में आया या नहीं आया, डिटेल में सीखना है क्लास ज्वाइन करो, क्लास फ्री है अभी, बिल्कुल फ्री है अभी, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। सी यू इनसाइड द क्लास। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स किए बिना नहीं जाइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, बाय बाय।